हेलो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता के द्वार आईटीआई नगर में तो आपके सामने जो वीकली एमसीक्यू रूटीन क्लास टेबल है इसके अकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई नगर पर पढ़ाया जा रहा है तो आज का जो दिन है आज का दिन है थर्सडे थर्सडे लेक्चर में आज हम आपको कराएगा एमसी क्यू महा चैलेंज क्विज जिसमें संविधान के तीस क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे विद इम्पोर्टेंट नोट के साथ तो जो संविधान का जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा आपका भारत का संवैधानिक इतिहास तो संवैधानिक जो इतिहास होगा उसका ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहले दिन का पहला लेक्चर है और लेवल मैं फर्स्ट आपको कराऊंगा तो आज आपके तीन लेवल हो गए वो आपका सुबह को लेवल फर्स्ट आप भी करा रहा हूं मैं दोपहर को आएगा और शाम को आएगा तो टोटल हम मिलाकर के तीन लेक्चर में तीस क्वेश्चन कवर कर लेंगे विद इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ तो देखिएगा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है पहला क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन उन्नीस में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था प्रावधान बताना है कि जो अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में जो समझौता हुआ था जिसको नाम दिया गया है पूना समझौता तो उसमें प्रावधान बताना है क्या था तो अगर आप चार ऑप्शन पढ़ोगे तो चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं अच्छी तरीके से पॉज कर लीजिए वीडियो बट मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा फोर्थ आंसर होगा निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त सह निर्वाचन क्षेत्र का ठीक है तो इसका जो निम्न वर्ग के लिए कुछ छूट थी उसके रिलेटेड uh, कुछ इसमें प्रावधान थे पुनः समझौते में जो कि इन दोनों के बीच में हुए थे वो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि व्याख्या क्या कहता है कि पूना पैक्ट जिसको पूना समझौता बोलते हैं भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था आपको ये याद रखना है कौन सी जेल थी वो थी यरवदा जेल और 24 सितंबर 1932 को हुआ था अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनियल अवार्ड अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की ठीक है ये इसकी स्पेसिफिकेशन हो गई तो और देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्या त्याग दिया गया लेकिन निर्वाचन मंडल को तो त्याग दिया लेकिन क्या किया गया कि दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में जो प्रांत स्तर पर विधान मंडल मंदल थे उनमें इकहत्तर से बढ़ाकर एक सीटें कर दी गई और केंद्रीय विधायकी में जो केंद्र पर विधायकी थी उसमें कुल सीटों का अट्ठारह परसेंट कर दिया गया मतलब कि उन्होंने निर्वाचन मंडल से त्याग दिया और प्रांतीय विधानमंडल में इकहत्तर सीट से बढ़ाकर एक सीट कर, कर दी गई और केंद्रीय विधायकी में 18 परसेंट की बढ़ोतरी की गई सीटों की ठीक है तो आपको इसको याद रखना है कि कितने सीट से कितने हुआ है और इसमें सीटों की परसेंटेज कितनी थी केंद्रीय विधायकी में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची का मिलान करवा रहा है पहली सूची का मिलान दूसरी सूची से करना है सूरत विभाजन दिया गया है सांप्रदायिक अधिन निर्णय दिया गया है सर्वदलीय सम्मेलन दिया गया है पूर्ण स्वराज का संकल्प दिया गया है इसको सन दिए गए किस सन में कौन सी घटना घटित हुई तो सूरत विभाजन की मैं बात करूँ तो सूरत विभाजन हमारा हुआ था उन्नीस में सूरत का विभाजन जो हुआ था उन्नीस सौ सात में हुआ था साम्प्रदायिक अधिनिर्णय कब लिया गया था वो उन्नीस में लिया गया था और सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था ये 1928 में हुआ था और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब लिया गया था उन्नीस में लिया गया था ठीक है तो जो इसका आंसर बन जाएगा फोर थ्री टू वन बन जाएगा ए का फोर बी का थ्री सी का टू और डी का वन इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से याद करना है ठीक है नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन नंबर तीन देखिए क्वेश्चन नंबर तीन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई तो अधिनियम पूछ रहा है वह अधिनियम कौन सा था जिसमें कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उस टाइम उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 इसका आंसर हो जाएगा कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है अध्यादेश उसको बोलते हैं जब संसद का कार्यकाल समाप्त हो रखा हो और हमें कोई नियम लागू करना है तो अध्यादेश जारी किया जाता है ये आदेश बोलते हैं तो 1861 आपको याद रखना है ठीक है इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए व्याख्या में क्या कहते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है महत्वपूर्ण घटना इसको बताया है। क्यों बताया यह मुख्य रूप से दो कारणों से विशेष है एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नजद करके उन्हें विधायकी कार्य से संबंध करने का अधिकार प्रदान दिया गया अधिकार मिला है इनको और दूसरा यह है कि दूसरा कारण क्या है कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायकी शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया जिससे बम्बई और मद्रास की सरकार को भी विधायकी शक्ति विधायी शक्ति प्राप्त हुई मतलब कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हुई बम्बई और मद्रास सरकार को भी ठीक है ये इसका स्पेसिफिकेशन हो गया नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट में भी दो सूची गई है दी गई है उसमें मिलान करवा रहा है कि कौन कौन सी घटनाएं घोषणा प्रस्ताव संकल्प और कार्य दिवस दिया गया है वो किस किस से रिलेटेड है तो अगर मैं अगस्त घोषणा की बात करूं तो ये आपका लॉर्ड मॉन्टेयू हो जाएगा इसका संबंध किससे है लॉर्ड मॉन्टेयू ने अगस्त घोषणा की थी और अगस्त प्रस्ताव की बात करूँ तो ये आपका लॉर्ड लिंथी लिंथीमो हो जाएगा लॉर्ड लिंथीमो ने अगस्त प्रस्ताव लाए थे और अगस्त घोषणा किसने की थी लॉर्ड ने तो अगस्त संकल्प की बात करो तो ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है जो अगस्त संकल्प है वो महात्मा गांधी से रिलेटेड है और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टू वन फोर थ्री ठीक है ए का टू बी का वन सी का फोर और डी का थ्री हो जाएगा ये आप नोट कर लीजिए कर लेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगस्त घोषणा अगस्त प्रस्ताव और अगस्त संकल्प ये आपको याद करना है किस किस से रिलेटेड था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का समय पूछ रहा है तो ये आपका सत्रह सौ तिहत्तर ईस्वी में पारित हुआ था तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था इसका उद्देश्य क्या था यह जान लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था मतलब कि जो सरकार का कार्य था वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी भारत में उसकी गतिविधियां जो थी भारत में वो ब्रिटिश सरकार की निगरानी में आ जाए वो इसका उद्देश्य था सत्रह में जा लागू हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट तो इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में अमूल्य चूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था इस अधिनियम को सत्रह सौ तिहत्तर ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा तो सत्रह सौ चौहत्तर ईस्वी इस में इसे लागू किया तो ये कब पास हुआ था सत्रह सौ तिहत्तर में हुआ था और लागू कब हुआ सत्रह सौ चौहत्तर में हुआ यह भी आपको याद करना है क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि पास कब किया गया और लागू कब किया गया तो यह आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर नोट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्स कहता है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया मतलब कि जो गवर्नर जनरल तो वो कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट था जिसके तहत गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो जो उसकी समिति है उसकी टीम है उसके जो निर्णय लिया गया उसके द्वारा वो उसको अस्वीकार कर सकता है तो ये आपका सत्रह का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा ये नियम लागू किया गया सत्रह का अमेंडमेंट एक्ट ठीक है ये आपको याद करना है अगर मैं पी की बात करूँ पी आपको चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आई नगर उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है तो उसको प्ले लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए और हमारे आई नगर चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए आपको पीडीएफ वहीं पे मिलेगा और जो वीडियो का लिंक है वो आपको कहीं पे भी मिल सकता है ठीक है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को दबाइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सत्रह का अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा इसकी व्याख्या देखिए व्याख्या क्या कहता है कि सत्रह सौ का चार्टर एक्ट अधिनियम पिट ने जो छियासी और सत्रह सौ तिरानवे का जो चार्टर एक्ट अधिनियम था पिट ने सत्रह सौ छियासी का अधिनियम पारित करवाया मतलब कि इन ये दो बेच थे इन दोनों के ने सत्रह सौ का जो अधिनियम पारित अधिनियम था वो पारित करवाया जिसका प्रमुख उद्देश्य कार्निवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियाँ भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई थी जो कि सेना का सेनापति था उसकी शक्ति थी वो गवर्नर जनरल में ही निहित कर दी थी पूर्ण संचालन गवर्नर जनरल के हाथ में सौंप दिया गया था ये इसका अधिनियम कहता है सत्रह सौ छियासी का सात क्वेश्चन महार, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री सामग्री नियुक्त किया गया मतलब कि पूर्ण राज्य महारानी विक्टोरिया के हाथ में सौंप दिया गया वो कब हुआ ये पूछ रहा है ये सत्रह सौ सॉरी 1876 में इसको किया गया इसको कब लागू किया गया 1876 सौ छिहत्तर ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा अठारह सौ छिहत्तर ईस्वी तो इसकी व्याख्या देख लीजिए व्याख्या क्या कहती है कि महारानी विक्टोरिया का जो जन्म हुआ था चौबीस मई अठारह सौ में मृत्यु बाईस जनवरी उन्नीस में अठारह ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी अठारह सौ ईस्वी में उन्हें भारत की समाजा घोषित किया गया अपने उदार विचारों के कारण ही वह भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई थी भारत का शासन प्रबंध आगे देखिए कि भारत का शासन प्रबंध अठारह जब अट्ठारह की स्वतंत्र क्रांति हुई थी उस समय की बात है ये में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश राज सत्ता को सौंप दिया गया इसी इसी इसकी जो उद्घोषणा महारानी के नाम से की गई उसे वह भारतीयों में जनप्रिय हो गई क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि उद्घोषणा में जो उदार विचार व्यक्त किए गए थे वे उनके निजी और उदार विचारों के प्रतिबिंब स्वरूप थे ये इसकी पूर्ण व्याख्या हो गई आप इसको पोज कीजिए अच्छे से समझिए और पढ़िएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है आपको अगर बता दूँ तो जो संविधान में ये चीज़ें बताई गई है तो हमारा जो आधुनिक इतिहास है उसमें भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी क्योंकि हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है वो यहीं से तैयार होता है यहीं से इसलिए संवैधानिक इतिहास आपको के नाम से आपको पढ़ाया जा रहा है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आठवा है कि सामाजिक विक्टोरिया ने अठारह की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया है पूरा करने की बात रहा है कि ब्रिटिश शासन ने उनमें से कौन सा पूरा किया है तो अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो इसमें से पूरा जो काम किया है वो देशी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी ये इसने पूर्ण कार्य किया है जो देशी राजवाड़े थे उनकी जो स्थिति थी वो बनाए रखी उन्होंने और इसको उन्होंने पूर्ण किया तो इसकी व्याख्या देखिए व्याख्या में क्या कहता है कि रानी विक्टोरिया के ने एक नवंबर अठारह की घोषणा के अनुसार यह घोषित किया गया कि इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश राजा के द्वारा व उसके वास्ते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि निधि है जो गवर्नर जनरल था पहले गवर्नर होते थे बंगाल का गवर्नर होते थे फिर भारत का गवर्नर बना फिर भारत का गवर्नर जनरल बना फिर वायसराय होने लगे और वायसराय का जो अर्थ बताया है वो बताया कि राजा का प्रतिनिधि राजा कौन था जो कि आयरलैंड और ब्रिटेन बिट, का जो शासक था उस टाइम जो हमारी विक्टोरिया थी उनकी विक्टोरिया थी वो वहां पर शासन कर रही थी ठीक है नाइन्थ क्वेश्चन देखिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था उद्देश्य पूछ रहे हैं मिंटो सुधार जो कि 1909 सौ ईस्वी में आया था उसका उद्देश्य पूछ रहा है तो उद्देश्य उसका था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली अलग अलग निर्वाचन प्रणाली को बनाना ही इसका मूल उद्देश्य था अब आप इसकी व्याख्या देखिए व्याख्या में मिंटो सुधार का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनिष्ठ करना था यह इसका उद्देश्य था ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन है कि मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था देखिए मैंने अभी बताया आपको जो मार्ले मिंटो सुधार है जिसका कि उद्देश्य मैंने आपको अभी बताया है ये पूछ रहा है कि कब पारित किया गया ये आपका 1909 ईस्वी में पारित किया गया इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी इस में इसको पारित किया गया व्याख्या देखिए कि भारत परिषद अधिनियम उन्नीस इंडियन काउंसिल एक्ट उन्नीस या मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम उन्नीस कितने नाम हो गए इसके ठीक है तो नाम आपको कंफ्यूज नहीं होना है नामों में आप इसको अच्छी से तरीके से देख लीजिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को नौ मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय माले भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायस राय थे मार्ले जो थे वो भारत के सचिव थे और जो लॉर्ड मिंट, लॉर्ड मिंटो थे वो वायस राय थे इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई है ठीक है ये इसकी व्याख्या हो गई ठीक है ये हमारा पूरा टेन क्वेश्चन हो गया है और हम लेवल सेकंड में आगे के दस क्वेश्चन ले गए आगे जो कि आपको वीडियो को दोपहर में मिल जाएगी और आपको जो तीसरी वीडियो है लेवल थर्ड है वो आपको शाम को वीडियो मिलेगी तो आपके टोटल इस संविधान से रिलेटेड जो भारत का संवैधानिक इतिहास है इससे रिलेटेड आज हम तीस क्वेश्चन कराएंगे विद इंपोर्टेंट नोट्स के साथ तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे आई आई आए नगर सफलता के द्वार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को दबाइए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.